नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर ITI व अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहती है। दोस्तों, इसी क्रम में हम एक और अपडेट आपके लिए इस YouTube चैनल पर जोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अब के बाद से आपको इस चैनल पर ITI के छात्रों से जुड़ी हर एक गवर्नमेंट जॉब व किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब से संबंधित अपडेट भी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी अपडेट है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में है। दोस्तों, ONGC द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं की है या फिर आपके किसी दोस्त ने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस उपक्रम में आपके लिए अप्रेंटिसशिप करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा दिनांक 29/7/2020 को एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, इस नोटिस में अप्रेंटिस लगाने बारे अधिसूचना जारी की गई है और दोस्तों, इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17/8/2020 निर्धारित की गई है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं शीट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो शीट्स हैं उनको सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यानी दोस्तों, पहले हम देखते हैं नॉर्थर्न सेक्टर को। दोस्तों, यहाँ पर देहरादून, दिल्ली और जोधपुर, दोस्तों नॉर्थर्न सेक्टर के अंदर ये तीन स्टेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर इन तीन स्टेशंस की ट्रेड्स दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट, HR सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कोपा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। और दोस्तों, यहाँ पर इन शीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, आप आपके लोकेशंस के हिसाब से इन वर्क सेंटर पर ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उसके पश्चात दिया गया है मुंबई सेक्टर और मुंबई सेक्टर के अंदर वर्क सेंटर के जो भी सेंटर हैं उसके अंदर मुंबई, गोवा, हजीरा, उड़ान इत्यादि सेक्टर दिए गए हैं। दोस्तों, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर कैम्बे, वडोदरा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, महसाना इत्यादि जगहें दी गई हैं। और दोस्तों, उसके पश्चात आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जोहरट, सिलचर, नजीरा एंड युवासागर में दिया गया है चेन्नई, कैकीनाडा, राजामुद्री, कैरिकल इत्यादि। दोस्तों, उसके पश्चात आता है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में अगरतला और कोलकाता के दो स्टेशन दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप भी आपके नज़दीक जो भी वर्क सेंटर बनता है और उस वर्क सेंटर के अंदर जो भी ट्रेड्स दी गई है तब से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर नोट के अंदर नीचे बोल्ड अक्षर में बताया गया है इंश्योर यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट अप्लाई। यानी पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। और दोस्तों, उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके लिए नीचे टेबल दी गई है जहाँ से आप इन ट्रेडों की योग्यता देख सकते हैं। दोस्तों, उसके पश्चात दिया गया है एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपकी एज 18 साल से लेकर 24 साल तक की होनी चाहिए। और दोस्तों, ये एज क्राइटेरिया 17/8/2020 से लागू होगा। यानी 17/8/2020 तक आपकी एज या तो 18 साल से ऊपर हो या फिर 24 साल से नीचे हो। और दोस्तों, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। तो जो 5 साल की छूट है वो SC ST के लिए दी गई है और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, यदि आप PW BD कैटेगरी के तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलने वाली है। और SC ST के फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए 15 साल की छूट है और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 13 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
आपको मिलने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जब आप इस अप्रेंटिसशिप के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री का ऑप्शन दिया गया है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए बैचलर डिग्री इन बीए और बीबीए ये आपके लिए क्वालिफिकेशन दी गई हैं, लेकिन हमें देखना है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इसके लिए आईटीआई, कोपा, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन। यानी दोस्तों यदि आपको इसमें अप्रेंटिसशिप करनी है तो आपको आईटीआई का, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप आपके ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों उसके पश्चात हम बात करते हैं स्टाइपेंड की। दोस्तों यहाँ पर कोई निर्धारित जो स्टाइपेंड है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो भी देय होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर रहेगा। और दोस्तों यदि सेम मेरिट के दो कैंडिडेट आते हैं तो जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उस कैंडिडेट को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इनको आपको रीड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी दोस्तों जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करेंगे तो उससे पहले आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप के नए पोर्टल यानी apprenticeshipindia.org पर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। और दोस्तों यदि आप नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपको जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है उसके लिए ये MHRD का पोर्टल है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, और उस नए रजिस्ट्रेशन को आप जब ONGC की वेबसाइट पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर उसको भर देना है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने संबंधी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी होनी अति आवश्यक है। और यहाँ पर साइज़ दिया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका साइज 20 से 50 KB का होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है उसका साइज 10 से 30 KB तक JPG फॉर्मेट के अंदर होना अति आवश्यक है। और दोस्तों 29/7/2020 से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एप्लीकेशन फॉर्म 17 अगस्त 2020 तक शाम को 6 बजे तक चलने वाले हैं।